हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है। तो आपको पहले पार्ट को समझाने के लिए मैं पहले सेकंड पार्ट को समझाता हूँ, ठीक है। पहला वाला पार्ट ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले तो ये बता देता हूँ, व्हाट इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, यानी जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो उसको क्या कहते हैं? नल पॉइंट। अब मुझे ये बताओ, ये कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यों है, क्लियर। और ये टोटल डिस्टेंस डी बाई टू एंड डी बाई टू, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछूं कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ, तो आप बताओ कितना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये पॉजिटिव क्यों चार्ज है? दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। देखो, प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको वन दे दो, इसको टू दे दो, ठीक। इसको बोलेंगे ई वन और इसको बोलेंगे ई टू। मीन्स यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड ई वन ई टू मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्यों चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव क्यों चार्ज है। तो मिडल पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग करने वाली इन दोनों चार्जेस के मिडल पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो मैं इसको नल पॉइंट बोल सकता हूं क्या? क्लियर। यानी नल पॉइंट, जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा उसको नल पॉइंट बोल सकता हूं क्या? ठीक है, तो ये हो गया नल पॉइंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे सपोज करो मैं एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और रखता हूं, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसको इनकी वैल्यू 100 करता, चलो 100 और इसकी 100, ठीक है। यहां पे इस नल पॉइंट पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो ये मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ पे ओनली पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा है, तो इसको अगर पॉइंट चार्ज रखा है तो ये ओनली जैसे रखा है जैसे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस्ड करूं किसी भी डायरेक्शन में और वापस इसी बैक पोजिशन पे ये आ जाए तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। अरे देखो कुत्ते, देखो क्या बताऊं आपको, यानी कोई भी आदमी है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब यहां पे फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं, इधर डिस्प्लेस करूं, या यहां डिस्प्लेस करूं, यहां डिस्प्लेस करूं, और वापस इसी पोजिशन में ये वापस आ जाए, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन। क्लियर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वाला कहता है कि नल पॉइंट पे कोई चार्ज रखने पे वो नेसेसरीली अनस्टेबल कंडीशन पे होगा। मींस देखो, इस चार्ज को अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस इधर आ जाएगा, इस चार्ज को यहां डिस्प्लेस करोगे तो वापस इधर आ जाएगा, मतलब नेसेसरीली स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर इस चार्ज को यहां डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस यहां पे नहीं आ जाएगा, ये इधर इधर मूव कर जाएगा। क्लियर, क्यों मूव करेगा? देखो, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर, और देखो इस चार्ज को यहां डिस्प्लेसमेंट करो तो ये वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब इसके कारण इधर फोर्स लगेगा और इसको कारण इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं? मतलब नल पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो अपनी वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाए। क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसको वैसे भी शो कर सकते हो गॉस थ्योरम से भी। कैसे? देखो, सपोज करो ये नल पॉइंट है, ठीक है, तो वापस कोई यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखते हैं, है ना, और वो वापस इसी पोजीशन पे आए, तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है।
लेकिन यहां पे तो कोई चार्ज है ही नहीं ना पहले से। गोस थ्योरम कहती है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है, मींस यहां पे कोई माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो नेट इनवर्ड जा रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई चार्ज है ही नहीं ना, तो मींस नल पॉइंट पे रखने पे नेसेसरली अनस्टेबल रहेगा, क्लियर।